हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास करेंगे बोटेंट स्ट्रीम की भाई, नाव और धाराएं की। और ये क्लास हमारी लास्ट क्लास रहेगी बोटेंट स्ट्रीम की भाई, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं बोटेंट स्ट्रीम से भी। तो पहला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक नाव शांत जल में एक घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा के अपेक्षा 3 गुने समय में तय करती है। तो धारा की चाल ज्ञात करें, धारा की चाल ज्ञात करें। देखिए बात को समझिएगा भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको एक चीज पता चलेगी कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब सेम है दोनों सिचुएशंस के अंदर में, ठीक है। एक बार देखो, पढ़ो दोबारा से क्वेश्चन को। देखो भाई, सेकंड लाइन में बोल दिया, वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा के अपेक्षा, ठीक है, मतलब डिस्टेंस सेम है, उतनी ही दूरी बोल दी। उतनी ही दूरी मतलब भाई सेम दूरी होती है। सबसे पहली लाइन हमें क्या बता रही है, एक नाव शांत जल में एक घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी, मतलब भाई बोट की स्पीड दे रखी है पहली लाइन में। बोट की स्पीड क्या बनेगी भाई, 6 किलोमीटर एक घंटे में। स्पीड क्या होती है, दूरी, 6 किलोमीटर एक घंटे में, तो 6 की स्पीड होगी भाई। कितने की स्पीड होगी, 6 की। अब अगली लाइन ध्यान से सुनिएगा, वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी, धारा के प्रतिकूल क्या स्पीड होती है भाई, धारा के प्रतिकूल ये वाली स्पीड होती है। बस समझ रहे हो, मैं दूरी निकालने वाला हूं, क्योंकि उतनी ही दूरी मतलब धारा के प्रतिकूल आप जितनी दूरी जाते हो धारा के अनुकूल भी उतनी ही दूरी जाना है, इसीलिए मैं डिस्टेंस निकालूंगा। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड गुना में समय। और ये तो हो गया प्रतिकूल का, एक अनुकूल का भी लेंगे। अनुकूल की स्पीड क्या होती है भाई, B+W। अनुकूल में स्पीड क्या होती है, B+W होती है भाई। धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा के अपेक्षा 3 गुना समय। अब ध्यान से समझना, धारा की दिशा का समय मान लो T, मैंने धारा की दिशा का क्या समय मान लिया भाई, T। उसने कहा धारा की दिशा में जो समय लगेगा उसका 3 गुना समय धारा के विपरीत लगेगा, मतलब यहाँ पे 3 गुना ले लेंगे समय। यहाँ पे समय क्या ले लेंगे बच्चे, 3 गुना ले लेंगे। लिखो एक बार जल्दी से, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये स्पीड है, ये टाइम डिस्टेंस बन गई, ये स्पीड है, ये टाइम डिस्टेंस बन गई। डिस्टेंस दोनों केस में बराबर थी, मैंने बराबर कर दिया। देखो टाइम से टाइम कट गया, और बी की स्पीड 6 की है, 6-W गुना में 3 बराबर है बी 6 की स्पीड है जमा W भी। सॉल्व कर लो, 6 × 3 = 18, 3W 6+W भी, 3 इधर आके इसमें जुड़ के 4 हो जाएंगे भी, 6 18 में से घटेंगे 12 बचेंगे, W निकाल लेंगे 4 × 3 = 12 भी। पानी की स्पीड 3 की है भी, यही पूछा गया है आई थिंक क्वेश्चन में, उतार दो फटाफट से भी। हाँ, ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा भाई, ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, फटाफट से उतार दो भाई, ठीक है। ये डिस्टेंस सेम वाली टाइप है, एक और करवाता हूँ, उतार दिया होगा। चलिएगा भाई, देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा, लग गया बोर्ड पे। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है उतनी ही दूरी धारा की प्रतिकूल दिशा में 2 गुने समय में तय करता है,
तो धारा की चाल ज्ञात करें। सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो भी बोट की स्पीड दे रखी है, व्यक्ति की स्पीड समझ लो या बोट की, एक ही बात है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, या तो ऐसे लिख लो या फिर 4.5 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है, दूरी निकाल लो, दूरी क्या होती है, स्पीड, धारा की दिशा में दूरी स्पीड गुना में समय बराबर बनेगी भाई, वो किसके, उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल में ये स्पीड होगी, और समय दुगना, जो समय यहाँ लगा है उसका दुगना, जो समय यहाँ लगा है उसका दुगना। 4.5 की स्पीड है बोट की भी, रख दो 4.5 × W गुना में टाइम से टाइम कट गया भाई, ठीक है, बराबर है B − W और गुना में कितना भाई, 2। सॉल्व कर लो, 4.5 लेना था यहाँ पे भी भाई, 4.5 ले लेना, काट के आप लोग 4.5 लिख लेना, ठीक है, 4.5 दो से गुना कर दो भाई, 4.5 को 9 बनेगा, −W इधर आके प्लस का 2 गलती हो गई, 4.5 को 2 से गुना करोगे 9, W को 2 से गुना करोगे 2W भी तो आएगा, 2W इधर आके इसमें जुड़ेगा, 3 हो जाएंगे ये, बराबर है 9 में से 4.5 घटेंगे, 4.5 बचेंगे, पानी की स्पीड आ जाएगी 3 से काट दो, 3 पे 15 आती है 45 होता है ना, 1.5 आ जाएगा आंसर, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ रहे हो ना, पॉइंट भूल जाओ, 15 × 3 = 45 होते हैं, 15 पॉइंट डाल दो फिर, ठीक है, चलिए उतारो फटाफट से फिर, ऑप्शन बी आंसर है भाई, ऑप्शन बी। एक और देखेंगे इसी टाइप का भाई, मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है, स्थिर जल में नौका की और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। इसमें अनुपात पूछ लिया बोट की स्पीड का और पानी की स्पीड का भाई, ठीक है, करना इसी टाइप से। देखो एक नौका को कुछ दूरी धारा की प्रतिकूल जाने में, ठीक है, धारा की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है भाई, ठीक है, नीचे की ओर जाने में आधा समय। देखो बात ऐसे समझ लो, दूरी निकाल लो भाई, धारा के प्रतिकूल जाने में आपको जो समय लगता है, दूरी क्या होती है, स्पीड गुना में समय, धारा के प्रतिकूल जाने में जो समय, समय मान लिया टी, उतनी ही दूरी निचले सतर में, निचले सतर का मतलब भी धारा की दिशा में, मतलब स्पीड क्या बनेगी, B + W बनेगी भाई, धारा की दिशा में जाने में आधा समय लगता है, मतलब जो समय यहाँ लगेगा उसका आधा समय यहाँ लगेगा, क्यों भाई, क्योंकि देखो स्पीड ज़्यादा है ना यहाँ पे, इसीलिए टाइम यहाँ कम लगता है। पिछले दोनों क्वेश्चनों में भी हमने देखा कि भाई विपरीत दिशा में टाइम ज़्यादा लग रहा होता है, ठीक है, चलिए सॉल्व कर दो, टाइम से टाइम कट गया, 2 को गुना कर दो, 2B − 2W बराबर है B + W, बी को इधर लाके घटा दो, 2B में से बी घटाओगे 1B बचेगा, माइनस के 2 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे 3B, W को नीचे ले आओ, बस यही पूछा था पेपर वाले ने, अनुपात भाई, बोट की स्पीड का और पानी की स्पीड का अनुपात पूछा था पेपर में भाई, तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ऑप्शन डी भाई, उतारो एक बार जल्दी से। हो गया होगा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोर्ड पे लग गया है, पढ़िएगा। क्वेश्चन है एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात, पहले तो ये लिख देता हूं, मोटर बोट मतलब बोट की स्पीड और पानी की स्पीड का अनुपात दे रखा है भाई,
36 का और 5 का भी, कितने का 36 और 5, इसको 36x मान लो, इसको 5x मान लो। जब भी दो चीज़ें, दो नंबर, तीन नंबर, जो भी अनुपात में हो, अनुपात से बाहर निकालने के लिए किसी से गुना कर लेते हैं हम लोग। हमने x से गुना कर लिया, इसको भी x से गुना कर लिया, तो ये 36x है, ये 5x है। ठीक है भाई, आगे पढ़ो। क्वेश्चन ने कहा मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में जाता है, तो वह कितनी देर में वापस आएगा। मतलब दूरी सेम है। क्वेश्चन ने क्या कहा, मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में जाता, मतलब कहीं गया 5 घंटे 10 मिनट लग गए। क्वेश्चन कह रहा है उसे वापस आने में, तो दूरी तो सेम हो गई ना, जाना आना सेम दूरी, तो दूरी सेम है यहाँ पे भी। ठीक है, सेम तरीके से बनेगा। अभी देखो दूरी निकाल दो, दूरी क्या होती है, धारा की दिशा में गया वो वाली स्पीड गुना में समय, धारा के विपरीत गया वो वाली स्पीड गुना में समय, ये होती है दूरी। भाई एक बार उतार लो इतना जल्दी से, क्लियर है बात इतनी। चलिए तो भाई अब बोट की स्पीड दे रखी, पानी की स्पीड दे रखी 36 और 5 41, समय मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट लेता है। बच्चे देखो 5 घंटे पूरे हैं, 10 मिनट, मिनट के घंटे बनाने के नाम के नीचे 60 में, तो 6 × 5 = 30 और 31 हो गया भाई, 31/6 घंटे। बोट की स्पीड माइनस पानी की स्पीड, 36 में से 5 गया 31x में, समय निकालना है। उसने कहा वह कितनी देर में वापस आएगा, मतलब समय निकालना है। जाते हुए धारा की दिशा में गया है, तो जब वापस आएगा तो धारा के विरुद्ध आएगा वो, इसलिए मैंने यहाँ B-W लिया है भाई। क्लियर है, चलो काट दो फिर, 31 से 31 कट गया, x से x कट गया, टाइम आ गया भाई 41/6 घंटे, 41/6 घंटे, इसको बदल लेना भाई, 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 36, बचे 5/6 घंटे, या तो ये उत्तर आ जाएगा या इसकी मिनट बना लो भी, 5/6 घंटे हैं, मिनट बनाने के नाम का 60, 50 मिनट बनेंगी, तो उत्तर आएगा 6 घंटे 50 मिनट। ये भी उत्तर हो सकता है, ये भी लिख सकते हो पेपर में, ये भी एक ही बात है। ठीक है, उतारो जल्दी जल्दी से भाई। भाई उतार लिया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों ने। चलिए एक लास्ट टाइप पढ़ेंगे, ये वाली टाइम टाइप मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में नहीं पढ़ाई थी भाई। ठीक है, वो इसलिए ही नहीं पढ़ाई क्योंकि वो टाइप यहाँ भी आती है। ठीक है, दोनों जगह आती है वो टाइप, तो मैं इन दोनों का एक एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भाई टाइम एंड डिस्टेंस का, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस में कैसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन भाई उस टाइप का, उसमें आता आपका बोट एंड स्ट्रीम में, तो दोनों का एक एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, दोनों को समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ये क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे टाइम एंड डिस्टेंस वाला, पढ़िएगा इसको, ये मैंने वहाँ नहीं करवाया था, यहाँ करवाऊँगा मैं इसको। क्वेश्चन है रवि 300 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग रेलगाड़ी तथा कुछ भाग कार द्वारा तय करता है। गर्मी बहुत हो गई भाई। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो वह पहुंचने में 4 घंटे का समय लेता है। यदि 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तथा शेष कार से तय करे तो वह 10 मिनट अधिक लेता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखो भाई बात समझो, पहले मैं बेसिक्स बता देता हूँ, बेसिक्स से आप खुद सॉल्व कर लेना, मैं समझा दूंगा एक बार। ठीक है, मोटा मोटी कैसे करना है बेसिक से। देखो क्वेश्चन ने कहा 300 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग रेलगाड़ी से कुछ भाग कार से, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, भाई समय निकालेंगे, ध्यान रखना समय, भाई 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से दूरी बटे स्पीड, स्पीड किसकी भाई, ट्रेन की,
दूरी बटे स्पीड क्या होता है? समय। कह रहा है शेष दूरी टोटल 300 किलोमीटर है, 60 तो ट्रेन से, बाकी कितने बच गए? 240 किलोमीटर। वो किससे भाई? कार से। तो नीचे आएगी स्पीड ऑफ कार। देखो दूरी बटे स्पीड ऑफ ट्रेन, दूरी बटे स्पीड ऑफ कार मतलब ये वाला टाइम जमा ये वाला टाइम, दोनों मिला के कुल टाइम लगा 4 घंटे का, 4 घंटे का टाइम लगा कुल मिलाकर। बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी, मतलब यहाँ 100 होती भाई, कितने किलोमीटर होते हैं? 100। स्पीड ऑफ ट्रेन भी जमा बाकी 300 में से 100 गए भाई 200 किलोमीटर, अगर वो जाते कार से तो 10 मिनट ज़्यादा लगती, 4 घंटे तो थे 10 मिनट, मिनट के घंटे बनाने हो तो 60 नीचे ले लो, 6 चौक 24 और 1 25, 25/6 घंटे ये आ जाएगा भाई। भाई एक तो तरीका है, दो इक्वेशन आपके सामने हैं, स्कूल में सबने इक्वेशन सोल्व करनी सीखी हैं, आप खुद से बनाइएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, कुछ हिंट दे देता हूँ। स्कूल में याद है ना गुना गुना कर लेते थे, देखो ऐसे इक्वेशन होती थी स्कूल टाइम की, ये वही इक्वेशन है बस इसमें नीचे लिखा है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ना। ऐसे कुछ इक्वेशन होती थी मान लो भाई स्कूल में, है ना, तुम्हें याद आ रहा होगा कि भाई क्या पढ़ाया जाता था स्कूल पे, स्कूल में क्या करते थे हम लोग कि भाई इसको 2 से गुना करके बराबर कर लो, घटा दो काट दो, वो तरीका। ठीक है वो आप खुद से देख लेना कर लेना, 2 इक्वेशन है सोल्व कर लेना। बट मैं आपको बताता हूँ एक अदर तरीका भाई, देखो ध्यान से समझना ये वाला तरीका भाई। देखो भाई ये वाला तरीका समझ लो भाई, ये वाली ट्रेन से थी, ये वाली दूरी कार से थी और ये टाइम। देखो भाई क्या है ये तरीका, आपको इस तरीके से डिस्टेंस लिखनी है, ट्रेन से तय दूरी, कार से समय, ट्रेन वाली दूरी, कार वाली दूरी और समय पे, इतना तो लिख सकते हैं सब कोई। अब कॉलम बना लो भी ट्रेन का, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी यहाँ पे, ट्रेन स्पीड, और एक कॉलम बना लो कार स्पीड का भी, बराबर है बराबर, डायरेक्ट हो जाएगा, इसको गुना कर दो इससे, इसको गुना कर दो इससे और घटा दो, 6 × 12 24,000 - 12,000 में, 24,000 - 12,000 में, बात समझ में आ गई, इसको गुना इससे घटा के लिख देंगे। समझ में आ गई बात इतनी भाई सबको? चलिए पहला स्टेप सबको समझ में आया, नीचे भी ऐसे लिख लेना भाई सेम भी, आ गई ना बात समझ में, इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, आपस में घटा के लिख दो भाई। ठीक है देख लो, आज भी लाइट की सेम प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, एक मिनट देखता हूँ अगर दिख रहा होगा तो कंटिन्यू करेंगे। देखो भाई अब कुछ विजिबल होगा अच्छे से। ठीक है चलिए फिर शुरुआत करते हैं आगे का। तो मैंने क्या बताया भाई आप लोगों को, लाइट तो अभी भी नहीं आई, इसको यहाँ गुना करेंगे, इसको यहाँ गुना करेंगे, ठीक है, दोनों को गुना करके आपस में घटा के यहाँ लिख लेंगे, बात क्लियर है इतना। अब भाई ट्रेन की स्पीड निकाल रहे हो ना, तो ट्रेन वाली लाइन छोड़ देना, देखो ट्रेन की स्पीड निकाल रहे हो, ट्रेन को छोड़ देना, ट्रेन की स्पीड निकाल रहे हो, ट्रेन को छोड़ देना, इसकी गुना इससे। देखो ट्रेन की स्पीड में हमें टाइम चाहिए, क्या चाहिए? टाइम। तो ट्रेन वाली लाइन छोड़ के इस टाइम को यहां गुना कर लेना, इसको यहां गुना कर लेना। ट्रेन के केस में कार से गुना करनी है टाइम की भी, 6 से काट दो, 6 × 24 = 40 × 5 = 1,000 और 8,000 है 800, 1,000 और 800 आएगा भी, घटा लेंगे आपस में, बात समझ रहे हो, इसको यहां गुना, इसको यहां गुना, आपस में घटा के लिख देंगे।
अब कार की बात कर रहा हूं, कार की बात कर रहा हूं, कार को छोड़ दो, इसको ट्रेन से गुना, समय को इसको भी ट्रेन से गुना, मतलब ट्रेन के केस में कार वाले से गुना, कार के केस में ट्रेन वाले से गुना। 6 से काटोगे 10, 250, 100 से गुना करोगे 400, तो 400 माइनस 250, ठीक है भाई, घटा लो तो ये बना 12000, ये बना भी तुम्हारा 200, ये भी तुम्हारा बना 12000, और ये बना तुम्हारा 150 भी, काट लो बस आंसर आ जाएंगे तुम्हारे। ये तो आ गई 60 की स्पीड पे, पूछ ले ट्रेन की स्पीड 60 की, कार की पूछ ले 15, 8, 120 80 की पे, ठीक है, उतारो फटाफट से। हो गया होगा, चलिए। एक्चुअल में ना ये जो बना रखा है मैंने स्टूडियो सा, मतलब जहाँ पे ये क्लास शूट कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में घर पे नहीं है मेरे, ये हमारा एक घर हो रहा है, मतलब हम उसको रेंट वगैरह पे देते हैं, तो मैं वहाँ शूट करता हूँ, तो वहाँ इन्वर्टर वगैरह नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये पहले रेंट पे दे रखा था हम लोगों ने, अभी जस्ट खाली हुआ था रेंट से, तो इस वजह से थोड़ा सा लाइट की इश्यू आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है, बट वो करवा देता हूँ मैं आप लोगों को, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, हम लोग आगे टाइम एंड वर्क से शुरुआत करेंगे, ठीक है। आप लोग सबको, मतलब इम्पोर्टेंट भी आप सब भी बोल रहे हो कि सर वही पढ़ाइए पहले। चलिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, जो बोट एंड स्ट्रीम में भी पूछा जाता है भाई, लग गया बोर्ड पर, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि 6.5 घंटे में धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल ज्ञात करेंगे। देखो फटाफट से देखो भाई, पढ़ो एक बार क्वेश्चन जल्दी से आप अपने आप से भी। चलो लाइट भी आ गई हमारी, चलिए पढ़ो भी क्वेश्चन, पढ़ो फटाफट से क्वेश्चन, पढ़ दिया क्वेश्चन, क्या कह रहा है, धारा के प्रतिकूल, भाई इस वाले में जैसे भी मर्जी लिखना हो लिख लेना, मतलब प्रतिकूल के नीचे प्रतिकूल ऐसे तो लिखना, देखो बात समझो एक बार भाई, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल बोला है, ठीक है, प्रतिकूल अनुकूल मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, भाई लिख लो भाई, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भाई, 6 घंटे का समय लगता है, 6 घंटे का, ठीक है। आगे बोला गया है कि भाई 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 24 किलोमीटर धारा की दिशा में, 6.5 घंटे, 6.5 का मतलब होता है 6 × 12 और 1 13/2 घंटे, ऐसे दे रखा है। अब इस वाले में आपको ये फायदा है कि भाई किसी को किसी से गुना गुना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कहने का ये है, देखो ध्यान से समझना, ये भी पहले इसको तो इससे करनी है, ये तो फिक्स है, ठीक है, इसको करके लिख लो भाई गुना, 24 × 24, इसमें ना ये मत लिखो कि कौन सी स्पीड आएगी पहले, प्रतिकूल अनुकूल कुछ मत लिखो, जो बड़ी बनेगी वो B+W बनेगी, जो छोटी बनेगी वो B-W, ऐसे याद रखो, मैं बताता हूँ, इसको इससे गुना करो पहले, इसको इससे, जैसे पिछले में बताया था 24 × 24 576, 36 × 36 1296, घटा के लिख लो भी, 1296 - 576 बटे में, ऐसे ही एक बार और लिख लो, 1296 - 576। अब नीचे क्या आएगा, समय, समय कैसे लेना है, मैंने बताया था एक बार इससे गुना कर लो, एक बार इनसे कर लेना, पहले इससे कर लो भाई, 2 से काट दो 18 और 13 भाई गुना करोगे 234 होते हैं, 24 × 144, हाँ 234 − 144 भाई, इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, घटा के लिख दी, इसकी गुना अब इससे और इसकी इससे,
दो से काटोगे 12, 12 13 156, आप अपने हिसाब से कर लेना, 36 × 6 भाई 216 होते हैं, 216 माइनस 156, खोलो भाई इसको, 1296 में से 576 घटा लो 027, नीचे घटाओगे भाई 23 में से 490, इसको भी कर लो 720 बटे में 060 भाई 60 आ गया, काट लो भी 972 80, अरे कुछ गड़बड़ कर दी, 972 8 आएगा भी, 6 पे काटोगे 12 में। अब मुझे बताओ बड़ा कौन है, 12, 12 बड़ा है तो ये बी प्लस डब्लू बनेगा, क्योंकि जोड़ने वाली चीज़ बड़ी होती है, ये छोटा है तो ये बी माइनस डब्लू बनेगा, एक बार लिख लो इतना भाई। क्लियर है इतना भाई, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा, बेसिक तरीका वही है भाई, इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहले इसको इससे गुना, इसको इससे, 36 36 1296, 24 24 576, फिर इसकी इससे कर दी मैंने, इसकी इससे कर दी, दो से काटोगे 13 था भाई, दो से काटोगे 18 18 13 234 होते हैं, 24 6 144 होते हैं, ठीक है, क्लियर है। सेम ऊपर वाला यहाँ लिखते हैं, अब ये कहाँ से आया, इसको गुना इससे, इसको फिर इससे, दो से काटा 24 को 12 और 13 156, 36 × 6 216, घटाओ जो बड़ा आएगा वो बी प्लस डब्लू, जो छोटा आएगा वो बी माइनस डब्लू भाई। अब जिसकी भी स्पीड पूछ ले आपसे, जिसकी भी स्पीड धारा की पूछी है, दोनों की निकाल सकते हो, ठीक है। बोट की स्पीड निकालनी है तो क्या करते हैं, जोड़ेंगे 12 और 8 20, 20 का आधा भाई 10, W निकालना हो तो घटाएंगे 12 में से 8 गए 4, 4 का आधा 2, ये आंसर है तुम्हारे पे, जो भी पूछा हो पेपर वाले ने वो आंसर दे सकते हो, ये पूछा था पानी की स्पीड पे, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, चलिए फिर ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस भी खत्म हो गया, अब टाइम एंड वर्क से अपना शुरुआत करेंगे आगे की भी, ठीक है भाई, चलिए फिर, थैंक यू।